स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी साइंस की क्लास में। और आप बच्चों को पता ही है बेटा कि हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और जो हमने लास्ट चैप्टर किया दैट वाज चेंजेस अराउंड अस, जिसके अंदर मैंने आपको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में बताया। तो प्यारे बच्चों, आज मेरे पास आपके लिए जो चैप्टर है वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करें। आप जब भी बाहर जाते हो आपको अपने आसपास ढेर सारे प्लांट दिखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट आपको बहुत छोटे दिखते हैं, कुछ प्लांट बहुत बड़े दिखते हैं ट्रीज़ की फॉर्म में, कुछ प्लांट आपको बहुत छोटके से पैचेस की फॉर्म में दिखते हैं जैसे सॉइल पे, जिसको हम काई बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी पुराने पॉन्ड को देखो, किसी तालाब को देखो, उसके चारों तरफ आपको ग्रीन कलर का प्लांट ग्रो होता हुआ दिखेगा। तो बेटा जो ये ग्रीन कलर का प्लांट होता है इसको एल्गी बोलते हैं। एल्गी बहुत छोटा होता है ये। कुछ प्लांट होते हैं जिनके हरे लीव्स होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जिनके रेड लीव्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के पास बहुत बड़े बड़े रेड फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के पास ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, येलो कलर के फ्लावर होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, ठीक है। और कई प्लांट्स तो बेटा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास फ्लावर्स होते ही नहीं, ठीक है। इवन हमारे घर में भी आपको बहुत सारे प्लांट्स और फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। कई लोग होते हैं बेटा जिनको बहुत शौक होता है घर में प्लांट्स उगाने का, और ये बहुत अच्छा टास्क भी है, बहुत अच्छी हॉबी भी है, क्योंकि जहाँ पे भी प्लांट लगते हैं ना बेटा, वहाँ पे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर हम अपने स्कूल में देखें, ग्राउंड में देखें, तो अगर आप रास्ते में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, आपने खुद नोटिस किया होगा कि हमारे स्कूल में कितने ढेर प्लांट हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि रेयरली आपको कई स्कूलों में इतनी ग्रीनरी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर भी हमेशा चाहते हैं कि हमारे आसपास की जो जो हमारे स्कूल की एनवायरनमेंट है वो बहुत हेल्दी रहे। तो इसीलिए उन्होंने जगह जगह पे ये श्योर किया हुआ है कि ढेर सारे प्लांट लगाए जाएं ताकि बच्चों को, टीचर्स को फ्रेश ऑक्सीजन मिले, ठीक है। तो स्कूल, पार्क और गार्डन में तो आपको प्लांट्स देखने को मिल ही जाएंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले अलग अलग पार्ट प्लांट के स्टडी करने वाले हैं, तो इन सभी पार्ट को मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, पहले आप देख लो मेरे साथ। सो ये डायग्राम आपके सामने फ्लावर का आ गया, प्लांट का आ गया। सो बेटा प्लांट के पास दो मेन सिस्टम होते हैं, एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम होता है जो मिट्टी में लगता है, ठीक है, और ये ब्राउन कलर का होता है। और जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो अंदर ही अंदर ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, और जो हमारी शूट होती है यानी बाहर वाली स्टेम, जो ग्रीन कलर का पार्ट आप रोज़ देखते हो, आपके आसपास आपको प्लांट्स और फ्लावर दिखते हैं, ये सब पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लाइट। तो जहाँ पर लाइट है ये उस तरफ ग्रो करते रहते हैं, वहाँ तक जाते रहते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट में हमें क्या मिलेगा, रूट मिलेगी, शूट मिलेगी, ठीक है, फिर हमें लीव्स मिलेंगे, स्टेम मिलेगी, नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। तो आइए देखें, तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि ब्रांच, यहाँ पे स्टेम क्या है, ब्रांच कहाँ पे है, रूट कहाँ पे है, लीफ कहाँ पे है, फ्लावर कहाँ पे, फ्रूट कहाँ पे। तो अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें तो ये वाला हमारा रूट पार्ट है, ठीक है, ये वाली हमारी स्टेम है जो बाहर निकली हुई है, लीव्स आपको दिख रहे हैं, फिर फ्लावर भी दिख रहे हैं आपको इस प्लांट में, फिर उसके बाद ब्रांचेस, बेटा जहाँ से टहनियाँ आपको दिख रही हैं उनको ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास एक एक्टिविटी करने को आई है, ये देखें, आपने स्टेम को बहुत ध्यान से देखना है, उसकी ब्रांचेस को देखना है, तो आपने एक टेबल कंप्लीट करना है जिसमें आपने प्लांट्स देखने जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो हमसे छोटे हैं, कुछ प्लांट्स देखने हैं आपने जो आपके साइज के हैं, और कुछ प्लांट्स देखते हैं जो आपसे बहुत बड़े हैं। तो यानी जो प्लांट हमारे से बड़े हैं यूजली वो बेटा ट्री ही होते हैं,
तो इस टेबल को ही आपके सामने आ गया, कंप्लीट करना है। जरा देखे टेबल क्या है। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे प्लांट का नाम है, फिर बेटा कॉलम वन में आई हुई है हाइट, कितनी हाइट है। कॉलम टू में आया हुआ है कि स्टेम का कलर क्या है, हरे रंग की स्टेम है, क्या वो सॉफ्ट है, क्या वो थिक है, क्या वो हार्ड है। थर्ड कॉलम में आया वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, ब्रांचेस कहाँ पे आई हैं, क्या सिर्फ वो स्टेम के बेस में ही है, क्या वो पूरे प्लांट में फैली हुई हैं। कॉलम फोर में है आपको बताना है कैटेगरी क्या है प्लांट की। तो यहाँ पे बेटा जो कैटेगरी है, तीन मेन कैटेगरी होती हैं प्लांट की, एक होते हैं हर्ब्स, एक होते हैं श्रब्स और एक होते हैं ट्रीज। तो सबसे पहले टमाटो देखिए, टमाटर के जो प्लांट होता है उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, उसकी स्टेम ग्रीन होती है और उसकी स्टेम सॉफ्ट भी होती है। तो जो प्लांट बहुत छोटे हों, ठीक है, और जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। फिर उसके बाद लेमन आ गया हमारे पास, इसकी जो हाइट है हमारे जितनी होती है और इसकी जो स्टेम है वो बेटा हार्ड है, ठीक है, हार्ड है और बेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रांचेस मिलेंगी, तो इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं श्रब्स। तो हर्ब्स कौन से प्लांट हुए, जिनमें स्टेम शॉर्ट होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। श्रब्स कौन से प्लांट हुए, जो प्लांट हमारी हाइट के बराबर होते हैं पर उनकी स्टेम हार्ड होती है, वुडी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया बेटा मैंगो, ध्यान से देखो मैंगो को, ये बहुत बड़ा बहुत टॉल है, ओके है। अब अगर आप नोटिस करो इसकी जो स्टेम है वो थिक भी है, हार्ड भी है और ये जो है हमारे से भी लंबी हाइट होती है, तो ऑब्वियसली एक ट्री की बात हो रही है और पूरे ट्री के ऊपर ढेर सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने सारा स्टडी करा तो आपको तीन तरह के प्लांट पता चले, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स सॉफ्ट प्लांट जिनकी हाइट छोटी होती है और श्रब्स ऐसे प्लांट जिनकी हाइट हमारे जितनी होती है और जिनकी ब्रांचेस हार्ड होती हैं। मैंगो जो बहुत टॉल होता है प्लांट, ठीक है, लाइक अ ट्री, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो पूरे ट्री में फैली होती हैं और हार्ड होता है ये, इसकी जो ट्रंक है, इसका जो स्टेम पार्ट है वो हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है। आगे चलते हैं, अब आपने क्या करना है, यहाँ इन्होंने हमें बताया आपने कई स्टेम्स को फील करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपने तीन तरह के प्लांट देखने, बहुत छोटे आपके साइज़ के और आपके साइज़ से बड़े, इनकी स्टेम्स को आपने फील करना है, बेंड करना है और आपने देखना है कि क्या वो हार्ड हैं कि टेंडर हैं। जो तो आपसे छोटे प्लांट होंगे उनकी जो स्टेम होगी वो बड़ी सॉफ्ट होगी, जो आपके जितने प्लांट होंगे उनकी जो स्टेम होगी वो थोड़ी हार्ड होगी, और ट्रीज की तो स्टेम आपको पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आपने इस बात का ध्यान रखना कि स्टेम ब्रेक ना हो। फिर आपने बड़े प्लांट को हग भी कर सकते हो कि वो कितना थिक है, और हमें एक और बात को नोटिस करना है कि प्लांट में ब्रांचेस कहाँ पे ग्रो कर रही हैं, ये भी देखना आपने, क्या वो सिर्फ ग्राउंड लेवल के पास ही ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं, यानी मिट्टी के पास ही ब्रांचेस हैं, या आपको पूरे प्लांट के अंदर ब्रांचेस देखने को मिलनी है, ये भी चीज़ें आपने नोट करनी है। फिर हम क्या करेंगे, इस टेबल को स्टडी करके प्लांट को ग्रुप कर देंगे अलग अलग तरह के टाइप्स में। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपसे डिस्कस की। अच्छा, एक सजेशन हमें देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स आप एक और काम कर सकते हो, चार से पांच का ग्रुप बना के और एक ही प्लांट को स्टडी कर सकते हो ताकि प्लांट के ऊपर हार्म ना पहुँचे। आपको वीड्स के बारे में भी बताना चाहूँगा बेटा, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो यूजली फसलों के साथ ग्रो कर जाते हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, जबकि फसलों को नुकसान ही पहुँचाते हैं, जिसको खरपतवार भी बोलते हैं।
ऐसे अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं उनको हम खेत में अलोंग विद द क्रॉप, फसल के साथ जो ये उग जाते हैं अनवांटेड प्लांट, उनको वीड्स बोलते हैं। क्रॉप फील्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे, लॉन में भी देखने को मिलेंगे, पॉट्स में भी देखने को मिलेंगे। ये अनवांटेड प्लांट और वीड्स जो होते हैं इनको यूजली रिमूव कर दिया जाता है, फार्मर इनको रिमूव कर देते हैं अपनी फील्ड से ताकि उनकी फसल के ऊपर असर ना पड़े। तो इन करेक्टर्स के ऊपर मोस्टली हम प्लांट्स को तीन भागों में बांटते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सो लो बच्चों, ए पार्ट में आपको हर्ब्स दिखाए हुए हैं। हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जिनकी हाइट हमसे छोटी होती है, जो सॉफ्ट होते हैं। श्रब्स बेटा वो प्लांट होते हैं जिनकी हाइट हमारे बराबर होती है और सॉफ्ट नहीं होते। फिर ट्री होती है बेटा जिनकी हाइट बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, लंबी लेंथ होती है इनकी, हमसे दस दो या तीन गुना ज़्यादा होते हैं, उनको हम ट्रीज बोलते हैं। तो फिर रिवीजन यहाँ पे करवाया जा रहा है, आइए मैं सब पढ़ें। प्लांट्स जिनकी हरी और सॉफ्ट स्टेम होती है उनको हर्ब्स बोलते हैं, ये छोटे होते हैं और इनकी ब्रांचेस भी ज़्यादा नहीं होती। फिर कुछ प्लांट जो ब्रांचेस डेवलप करते हैं बेस ऑफ द स्टेम में और इनकी जो स्टेम होती है हार्ड होती है और ज़्यादा थिक नहीं होती, इनको हम बोलते हैं श्रब्स। कुछ प्लांट्स बहुत टाल होते हैं हमसे भी, जिनसे जिनकी बड़ी हाइट होती है, इनकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है और थिक होती है और इनकी स्टेम में ब्रांचेस होती हैं अपर पार्ट में और ग्राउंड लेवल से ऊपर होती हैं। इन प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं क्योंकि एक आपने नोटिस किया होगा हर ट्री में एकदम जहाँ से ट्री स्टार्ट हो रही है यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर वहीं से ब्रांचेस नहीं शुरू हो जाती, एक ट्रंक बनती बनती है। ट्रंक वो पार्ट होता है थिक पार्ट जिसमें आपको कोई भी ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी, उसके ऊपर आपको ब्रांचेस जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने आज क्या करना है, आप लोगों ने अपने घर में देखना है आपको किस तरह के प्लांट देखने को मिल रहे हैं, क्या वो हर्ब्स हैं, क्या वो श्रब्स हैं, क्या वो ट्रीज हैं। फिर से रिवीजन, अगर तो वो हर्ब्स होंगे वो प्लांट बहुत शॉर्ट होंगे, अगर वो श्रब्स होंगे तो वो प्लांट होंगे लंबे, ठीक है, और आपकी हाइट के होंगे। अगर तो ट्रीज होंगी तो वो बहुत ही बड़ी हाइट होगी उनकी, ठीक है। तो पहली यहाँ पे कुछ सोच रही है मनी प्लांट किस तरह का प्लांट हुआ, ठीक है। अगर आप मनी प्लांट को ध्यान से देखोगे तो मनी प्लांट लेटरली ग्रो करता है तो वो उसकी जो स्टेम है कितनी सॉफ्ट होती है ना, तो वो एक तरह का हर्ब हुआ। हर्ब वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने बात की कि ग्रेप वाइन जो है, ग्रेप वाइन मतलब बेटा जिसमें हमारे ग्रेप्स लगते हैं वो किस तरह का हुआ, वो भी हमारा हर्ब्स में आता है। इन प्लांट्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज में से क्या है। आप जानते हो कि आपका जो मनी प्लांट होता है और जो आपका ग्रेप वाइन होता है इनको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि ये हर्ब्स हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये टेंडर होते हैं, वीक प्लांट होते हैं, तो सपोर्ट होगी तभी ये ग्रो कर पाएंगे। देखो जी, जिन प्लांट्स की वीक स्टेम होती है वो सीधा नहीं ग्रो कर पाते, इन तरह के प्लांट्स को क्रीपर बोलते हैं। क्रीपर का मतलब होता है बेटा जो जमीन के साथ साथ चलते हैं, ठीक है, तो इनको हमें सपोर्ट देनी पड़ेगी। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए और जो क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने नोट किया होगा आप मनी प्लांट को बांध देते हो धागे से, रस्सी से बांध देते हो और वो फिर उसके रस्सी के ऊपर ही ग्रो करने लग जाता है ना, तो वो एक तरह का क्लाइंबर हुआ। तो ये सारे क्रीपर और क्लाइंबर अलग अलग तरह के हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज की एग्जांपल। अच्छा, कुछ प्लांट्स हमारे स्कूल में हैं जिनको आप देख सकते हो, जब हमारे स्कूल खोलेंगे तो आप ज़रूर देखना। तो हमारे पास अब आज आपके लेक्चर में आपको क्या क्या पता चला, प्लांट की टाइप्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, हर्ब्स वीक प्लांट छोटे प्लांट, श्रब्स थोड़ी सी स्टेम इनकी स्ट्रांग और हमारी हाइट के, और
फैक्ट्रीज, बहुत बड़े प्लांट, हमारे से बड़े प्लांट, ठीक है। और फिर क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, क्रीपर्स जो ग्राउंड के साथ साथ चलते हैं, क्लाइंबर जिनको सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो मैं आज आपको एक डायग्राम भेजने वाला हूँ, तो उस डायग्राम को अपनी कॉपी में ज़रूर बना लेना, ठीक है। सो धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्लोली स्लोली मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, बहुत मेहनत से पढ़ें और कीप इट इन माइंड के जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं, तो आप अपना सारी कॉपीज बनाते रहें, कॉपीज आपकी चेक होती रहेंगी। तो स्टे होम, स्टे सेफ, और पूरा ध्यान रखें कि जब भी बाहर निकले मास्क लगा के निकले, कोरोना बहुत बुरी तरह फैल रहा है, आपने अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना है। बेस्ट ऑफ लक, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।